एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित उन स्टार्स में से है जिन्होंने जनता में जबरदस्त पॉपुलैरिटी कमाई। अब माधुरी से जुड़ा एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है जिसे सुनकर टूट गया है अदाकारा के फैंस का दिल। माधुरी अपने दौर में दर्शक के दिल की धड़कन थी, आज भी ऑडियंस के बीच माधुरी का सिक्का चलता है। मगर एक फिल्म ऐसी थी जिसमें कुछ ऐसा हुआ कि माधुरी पूरे तरीके से घबरा गई थी। असल में एक्टर रंजीत ने एक मीडिया पोर्टल को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि फिल्म के सीन शूट होने से पहले माधुरी रोने लगी थी। बॉलीवुड की कई फिल्मों में विलन का रोल प्ले कर चुके रंजीत ने बताया कि माधुरी के साथ उनकी फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा पर शूट करने के दौरान एक छेड़छाड़ वाला सीन किया जाना था। ये सीन ठेले पर होना था, वो ठेला जो फिल्म में माधुरी के पिता चलाते थे। रंजीत ने बताया कि वो माधुरी का इंतजार कर रहे थे लेकिन माधुरी अंदर बैठी हुई रो रही थी। माधुरी ये सीन नहीं करना चाहती थी और बहुत ज्यादा डर गई थी। माधुरी नहीं चाहती थी कि उनके साथ छेड़छाड़ हो। एक्ट्रेस रील और रियल लाइफ के फर्क को उस वक्त पूरे तरीके से भूल चुकी थी और फिर थोड़ी देर बाद जब माधुरी बाहर आए तब ये सीन शूट किया गया। बॉलीवुड एक्टर रंजीत ने कहा कि फिल्म में विलन का रोल निभाने वाला हर आदमी बुरा आदमी नहीं होता, ये हमारी जॉब का हिस्सा होता है। बात अगर माधुरी दीक्षित की जाए तो माधुरी शादी के बाद अपने फिल्मी करियर को छोड़ चुकी थी। हालांकि अब माधुरी दीक्षित ने एक वेब सीरीज के लिए शूट किया है और एक्ट्रेस डांस रियलिटी शो में भी नजर आ रही है। फाइनल कट न्यूज डेस्क।